Hi, welcome all of you. So we are here again in the horror series that we were shooting last time, and this time I think it's going to be rock because I barely, you know, took this in my mind ki theek hai main jaakar videos dekhu, theek hai main jaakar kuch bhi padhu, theek hai main jaakar main bhi movie dekhu. So we are here again in this project and let us do it. Binda tha. मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ. तो स्वागत है आप सबका हमारे सेकंड एपिसोड में इस हॉरर सीरीज की, जहाँ पे हम दोनों बात करने वाले हैं हॉरर मूवीज के बारे में, जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे लगता है हॉरर मूवीज के बारे में और इनको जरा सी भी नहीं है. एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, मेरे को बोलना है सेम चीज प्लीज. हाँ, बोल बोल. हाय, सो वी आर हियर अगेन इन बीइंग सिनेफाइल इन दिस वीडियो एपिसोड ऑफ हॉरर मूवीज. लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस समवॉट अबाउट 15 मूवीज. So he says that he is a horror movies geek and I am a freak because I barely do watch any horror movies. It's not because I am scared, but I just don't like watching them. Yeah. So yeah, I have tried to guess a few movies according to their decade in which they have released and the genre and whether they were hit or not. Yeah, right. So he was giving me some plots and this is how we went on. If you didn't watch our previous video, there is a link description. There is a link in the description box. So please go and check that. Also, there are certain movies which we have already put in the description box. So please go and check them too. Because अगर आपने वो नहीं देखी है, तो ये आपके लिए spoiler हो सकता है. Now back to the owner of the beans and oil. Thank you. तो फिर से स्वागत है सबका हमारे second episode में इस series के, और आज हमारे साथ फिर से हैं हमारी guest. जिनको हॉरर मूवीज के बारे में ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता, और मैं आज फिर से उनके साथ कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही क्लासिक मूवीज के प्लॉट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे वो गेस करेंगे कि ये मूवी हिट थी या नहीं और उनके क्या व्यूज हैं इन प्लॉट्स पर और ये किस डेकेड के प्लॉट इनके हिसाब से हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि ये सही है या नहीं. तो अगर इनमें से कोई मूवी आपने नहीं देखी हो तो उसके लिए हैवी स्पॉयलर्स आने वाले हैं. तो स्पॉयलर अलर्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मूवीज के मिल जाएंगे आपको नाम, ताकि वॉच देम. हाँ, और आपको नाम मिल जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये फलानी मूवी देखी है या नहीं, और एंजॉय करो. तो लास्ट टाइम हमने ब्लेयर विच प्रोजेक्ट पे खत्म करा था और टोटल 15 मूवीज डिस्कस करी थी. इस बार मैं कुछ और मूवीज लेके आया हूं. तो सबसे पहले उसमें आता है घोस्ट ऑफ अ होटल ड्राइव इट्स विंटर केयर टेकर क्रेजी एंड मेक्स हिम किल हिज वाइफ एंड चाइल्ड. Okay. I don't know. I find all them really weird. But it's okay. I think it is. Please come again. Ghosts of a hotel drives its winter caretaker crazy and makes him kill his wife and child. Okay. This must be, I guess, 80s. Okay. And the plot doesn't sound very well, so I think it would be a moderate movie. Okay. So, she is almost correct. Movie was released in 1980. Movie का नाम है The Shining. और इसके जो responses थे वो बहुत ही एक special चीज है उसके बारे में. जब movie initially आई, और हाँ ये भी Stephen King की book की adaptation है movie The Shining. अच्छा. और अभी ये movie classics में गिनी जाती है, और अगर टॉप हॉरर मूवीज की लिस्ट देखी जाए गूगल पे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी टॉप 5 में मिले, और हो सकता है बहुत बार टॉप 1 में भी मिले, मतलब फर्स्ट प्लेस पे. बट जब ये इनिशियली आई थी तो इसके रिस्पॉन्सेज बहुत मिक्स्ड थे और मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर उसके बाद लोगों को ये पसंद आने लगी और फिर ये क्लासिक बन गई. पर्सनली मुझे ये वाहियात मूवी लगती है क्योंकि इसकी स्टोरी में कुछ खास है नहीं, विजुअली कुछ बढ़िया है नहीं, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ये मूवी पसंद आए, और मैं थ्रू आउट द मूवी सो रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी मुझे लगी पर्सनली. लेकिन ये क्लासिक कंसिडर करी जाती है तो आप चाहे तो देख सकते हैं. और इसके जो डायरेक्टर है उनकी एक बहुत ही चीज फेमस है कि उन्होंने इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए जो मूवी की एक्ट्रेस है उनके साथ बहुत ही बिजार ट्रीटमेंट किया था. मूवी एज इन मूवी के क्रू को बोला कि इनसे बात नहीं करनी, और बिल्कुल भी मतलब ढंग से बात नहीं करनी, बदतमीजी से बात करनी है, और उनको रहने के लिए कमरा नहीं दिया. हाँ. क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो मेंटली ब्रेकडाउन कर जाता है मूवी के अंदर, और मेंटली टॉर्चर होता है उस कैरेक्टर का मूवी के अंदर, तो उन्होंने रियलिटी में भी उस
एक्ट्रेस का वही करा और इस वजह से एक्ट्रेस का हेयर लॉस होने लगा और मतलब बहुत कुछ होने लगा, लेकिन फिर भी उस एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस सबसे वाहियात परफॉर्मेंसेस कंसिडर की जाती है उस एरा की। बिकॉज अगर आपने उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया तो वो नेचुरली अपना फुल पोटेंशियल के साथ कैसे एक्ट कर पाएगी। तो यही थी इस मूवी के बारे में द शाइनिंग। एक बार देख सकते हो, अगर पसंद आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो मैंने पहले कहा था। तो नेक्स्ट, अ वुमन किल्स ऑल द काउंसलर्स ऑफ अ कैंप बिकॉज हर सन डाइड ड्यू टू देयर केयरलेसनेस। ओके, बदला बदला बदले की आग। सेवेंटीज ओके या नाइन्टीज, एक ही। ओके नाइन्टीज, लेकिन इतनी मजेदार नहीं है। मतलब आई डो नॉट नो, मूवी में अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ अंदर तो दैट कुड बी अ वेरी हिट, बट प्लॉट तो बेकार ही साउंड कर रहा है, या तो बेकार रहा होगा। मतलब तो शी इज पार्शियली करेक्ट, और आपने डेकेड पहले से ही बताया था, बाद में गलत कर दिया। हाँ, ये मूवी रिलीज हुई 1980 में, तो मूवी का नाम है फ्राइडे द 13th, मूवी रिलीज हुई थी 1980 में और मूवी वॉज सरप्राइजली अ हिट, क्योंकि देखा जाए क्रिटिकली तो वो बहुत बड़ी फ्लॉप गई थी और वो सिंपली बहुत सारी स्लैशर मूवीज जैसे कि हैलोवीन और टेक्सस चेंसो मैसेकर उन्हीं का एक रिप ऑफ था। अच्छा, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट आर द स्लैशर मूवीज? ओके, तो हॉरर तो सबको पता ही होगा, इसमें डर लगता है, वो जॉनर है एक मूवीज का, एंड स्लैशर मूवीज इज अ सब जॉनर ऑफ हॉरर। हॉरर स्लैशर और थ्रिलर स्लैशर, लाइक फॉर एग्जांपल हॉरर कॉमेडी इज अ सब जॉनर ऑफ हॉरर। ओके, इट हैज हॉरर एंड कॉमेडी, एंड हॉरर स्लैशर इज समथिंग दैट हैज हॉरर एंड अ लॉट ऑफ ब्लड एंड किल्स। Oh, okay. So any movie that has a lot of blood, killings, and that murders, is called horror slasher. Yes. Okay. Cool. And Friday the 13th was simply made to cash on horror slasher craze that was in the 1970s and 1980s, and surprisingly it became a hit and a sensation because then there are 12 Friday the 13th movies, and most of them are terrible. Some of them are unwatchable even. Okay. And many of the people are very surprised कि हाँ भाई मतलब ये कैसे हो, कैसे गई, famous हुई क्यों उतनी, और हाँ because plot जो उतना excite नहीं कर रहा, और जो original Friday the 13th के makers है ना वो भी इस चीज को believe नहीं करते कि ये इतनी भयंकर hit कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने तो बस एक movie पे थोड़े से पैसे कमाने के लिए बनाई थी और उसके बाद फिर इतनी बड़ी franchise बन गई है। Oh, cool. Okay. चाइल्ड मर्डरर आफ्टर बींग बर्नड अलाइव हॉन्ट्स पीपल थ्रू देयर ड्रीम्स। आई डू नॉट लाइक द प्लॉट एट ऑल, इतना सारा मर्डरर्स और ये सब है। आई गेस 60s या 70s का है ये। ओके, ठीक है, और ये हिट गई होगी क्योंकि ये प्लॉट मुझे एक्साइट नहीं कर रहा, बट आई नो कि ये बहुत ही कॉमन थीम है, सो जब बहुत कुछ बहुत कॉमन होता है तो दैट गोज फॉर अ हिट। ओके, सो मूवी का नाम है नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, और हाँ ये बढ़िया वाली हिट थी, और मूवी का जो फेमस आइकॉनिक किलर है जो कि एक हॉरर आइकन भी है, उसका नाम है फ्रेडी क्रूगर। ओके, हु वाज अ चाइल्ड अबडक्टर एंड किलर, और उन बच्चों के पेरेंट्स ने बिल्कुल जला दिया और फिर उसके बाद वो सबके सपनों में आके उनको हॉन्ट करता था। और आई थिंक आफ्टर दिस ऑल वी शुड मेक वन यू नो वीडियो ऑन समथिंग व्हिच इज हैप्पी, व्हिच कैन ग्लीव यू, व्हिच कैन ब्रिंग स्माइल्स ऑन योर फेस रादर देन दिस किलिंग एंड स्लैशिंग एंड ब्ला 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 बुलशिट। और मूवी का जो पोस्टर है वो वहां है ऊपर, सौ के बिल्कुल ऊपर। ओके, और इसके भी कई सारे सीक्वल्स हैं जबकि सब लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट के अलावा बाकी सारे फाहियाद हैं। ओके, नेक्स्ट, अ वुमन मैरिड टू अ मिस्टीरियस मैन, आफ्टर मैरिज शी इज वॉर्न्ड बाय घोस्ट ऑफ हिज डेड वाइव्स। ओके, हुम ही किल्ड विद हिज सिस्टर। ओके, देयर वाज अ वुमन हु मैरिड टू अ मैन एंड द man's older wife, the ex-wife's ghost used to come to the new wife and warn her about him. Okay, that the man will kill her too. Yes. Okay. Okay, pathetic.
बट आई थिंक दिस वुड बी अ हिट बिकॉज ये थ्रिल जैसा कुछ साउंड कर रहा है, लास्ट में पता ही नहीं लगा हुआ क्या हुआ होगा, है ना. और दिस मस्ट बी रिलीज इन आई गेस 1980-90. ओके तो मूवी वॉज अ हिट, इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल, मूवी का नाम है क्रिम्सन पीक, मूवी का पोस्टर वहां ऊपर हो रहा. और मूवी वॉज अ हिट बट मूवी वॉज नॉट रिलीज इन 80s, इट वॉज रिलीज इन 2000s. ओह अच्छा. ओके तो नेक्स्ट. और ये मूवी आई गेस बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपको देखनी है एक हॉरर मूवी तो इट इज अ रियली गुड ऑप्शन. और इसमें थ्रिल फैक्टर भी है जो कि इसको और ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है. देखा मैं कितना कुछ समझ जाती हूँ. तभी तो हमने गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाया हमको, ऐसी किसी को थोड़ी बुला लेते हैं हम. ओके, अ वुमन इज हायर्ड टू टेक केयर ऑफ अ यंग बॉय, यंग किड हु टर्न्स आउट टू बी जस्ट अ डॉल. But later she discovered that the boy she was hired to take care of lived inside the house's walls and is a grown adult man. Okay, I think I like this theme. I really like it even. And it is inspired from some piece of literature. Yeah. A very famous piece of literature. Okay. Someone living inside the walls. Okay. Well, now I'm not able to guess it, but I like the theme. I'm just guessing, you know, what would be the outcomes of the movie. So, this must be a hit, I'm sure. And this would have released in 1780s. Okay, so she's wrong. Oh. Movie ka naam hai The Boy. Movie was released in 2000, after 2010, and it was a hit, but it was a moderate at. And which online watch novel is it based? It is inspired from a novel, I don't remember the name. But the story of the novel goes like a man is living in a house and a woman living inside the walls of the house burnt him when he was sleeping. Okay. And it is a very famous novel written by a very famous writer. You need to remember, right? Uh-huh. Okay. A woman created a town made up of completely wax. After her death, her three sons continued her work and captures people and make them wax statues. Okay, कुछ कुछ अहिल्या की story जैसा sound कर रहा है ये मुझे. Wax statues. I think this must be 1780s movie again. Okay. पहले की भी हो सकती है, मतलब बाद की नहीं लग रही मुझे. और ये hit रही होगी क्योंकि इसका जो plot है वही common सा plot है, तो I think this would be liked by people. Okay. तो movie का नाम है House of Wax. Movie का poster ये रहा. And the original House of Wax was made in 1950-60s and the remake was made in 2005. Okay. So it was a hit. तो मैंने सही बोला ना, 1950s पहले की हो सकती है. Almost. Okay, next one. An AI doll after losing its safety features turns evil and adapt all the bad stuff from the world and do all the bad stuff you can imagine. रीसेंट मूवी होगी आई गेस 2000 के बाद की. ओके ठीक है, 2000 के बाद की डेकेड कौन सा? दिस 10 to 20. ओके. और हिट होगी, बहुत सुपर हिट होगी. ओके सो शी इज करेक्ट, शी इज टोटली करेक्ट. मूवी वॉज रिलीज इन 2019. मूवी का नाम है चाइल्ड्स प्ले और ये ओरिजिनल चाइल्ड्स प्ले का एक रीमेक है, इसलिए हिट गया था. और अगर बात करें बिल्कुल हार्डकोर चाइल्ड्स प्ले फैंस की तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे भी पसंद नहीं आई क्योंकि ओरिजिनल मूवी को रीमेक करने की तो जरूरत नहीं थी और ऊपर से ओरिजिनल मूवी की स्टोरी को चेंज करा गया और फिर ये मूवी बनाई गई. मूवी बुरी नहीं लगी लोगों को लेकिन एक एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज के नाम पे इसे बेचा गया. हाँ. वो पसंद नहीं आया. और हाँ, इट वॉज अ हिट एंड इट वॉज रिलीज इन 2019. ओके नेक्स्ट. ओके दिस इज अ गेम चेंजर फॉर मी. A girl, Grace, is married to a man she loves. His family has a tradition of playing a game with a new addition to the family on the first night. But later she discovered that in the game they are playing, she has to hide and the rest of the family members have to kill her before dawn. Pathetic. But okay. I think सिक्सटी सेवेंटीज. ओके तो
हिट बोला हिट तो नहीं जाना चाहिए ऐसी मूवी को नो ओके सो शी इज कम्प्लीटली रॉन्ग मूवी वॉज रिलीज इन 2018 एंड मूवी का नाम है रेडी और नॉट एंड इट वॉज अ थ्रिलर कॉमेडी एंड इट वॉज अ सुपर हिट बिकॉज इट इज समथिंग न्यू इन द जॉनर एंड इट वॉज करेक्टली डन आई गेस एंड आई लव दैट मूवी It is a very good movie, and here's the poster. Okay, next. Here's the poster. Like, okay, next. Poster is nice. Mm. How good expressions this girl has. Oh. A great white shark seeks revenge and follows a family and tries to kill them. Cool, basic theme. Hit hogi movie. Or 70s. Okay. She is completely wrong. तो मूवी का नाम है जॉज द रिवेंज जो कि जॉज फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है और मूवी का प्लॉट इतना वाहियात है कि इसको रॉटन टमाटोज पे 0% मिले हैं एंड इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ एवर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी फेमस एंड गुड फ्रेंचाइज लेकिन मूवी का प्लॉट इतना सिली और बकवास है कि ये मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं जिसे मूवी पसंद है क्योंकि एक शार्क फॉलो करती है लोगों को और बदला लेने के लिए ओके तो बहुत भयंकर वाली फ्लॉप है ओके अ व्हाइट फैमिली किडनैप्स ब्लैक पीपल एंड ट्रांसफर देयर कॉन्शियसनेस इनटू दोस ब्लैक पीपल यू ब्लैक और व्हाइट का सीन बहुत ज्यादा चलता था ड्यूरिंग दैट 60s के आसपास तो आई थिंक तभी की मूवी होगी जस्ट टू यू नो हैमर दी हॉट आयरन 60s 70s नॉट फॉर श्योर नॉट मोर देन 70s एंड इट मस्ट बी अ हिट बिकॉज कहीं ना कहीं शायद हॉरर मूवी है बट इसने डिस्क्राइब किया व्हाट व्हाइट्स वर एक्चुअली डूइंग विद द होल वर्ल्ड व्हाट व्हाइट्स वर एक्चुअली डूइंग विद द ब्लैक पीपल्स लाइफ एंड दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन थीम जो भी हम लोगों ने रिसेंटली फेस किया ना फ्लॉयड पे सो या सो शी इज पार्शियली करेक्ट मूवी वॉज रिलीज इन 2018 Is this that recent? Yes, and it was also nominated for Oscars. हाँ, it must be. क्योंकि थीम कितना अच्छा है. Yes, मूवी का नाम है Get Out. नाम भी कितना अच्छा है. और it was a super hit critically and financially, and it was a surprise from the director क्योंकि उनका जो genre था उनकी जो filmography थी वो बहुत different है जो इस movie से. Okay. और प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक व्हाइट फैमिली है जो कि ये मानती है कि जो ब्लैक्स हैं वो सुपीरियर है उनसे अच्छा सुपीरियर हाँ, तो इसीलिए वो ब्लैक्स को किडनैप करते हैं और उनके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस डाल देते हैं उनकी बॉडी ले लेते हैं एक तरीके से ओ वाओ आई वॉच दिस प्लीज व्हाटएवर द मूवीज जो भी मैंने बोला ना इसे वॉच दिस वाली मुझे याद दिला दे ओके ये तो बड़ी रिसेंट वाली है चार पचास A girl with telekinetic powers lives with an abusive mother. She is very socially awkward person due to her mother. She is bullied by classmate and kills 70 plus people with her powers. Psychology based horror. I think. ये recent रही होगी 2000 onwards. ठीक है. And this must be a hit because बहुत different theme है बहुत different चीजें हैं not that different but अगर psychology को आप लो तो psychology के basis पर movie बनाना was a different creativity altogether so I think this is right. Okay, she is partially wrong. Movie का नाम है Carrie. Movie was released in 1976 और ये भी Stephen King की book पे ही based है जो कि released हुई थी 1974 में and movie was a critical and financial hit. लेकिन कैरी का एक रीमेक बना है 2013 में तो यू आर पार्शियली करेक्ट रीमेक की वजह से और इस मूवी 1976 की है और ये बहुत अच्छी क्लासिक मूवी है और इसके अंदर बुलिंग को सोशल ऑकवर्डनेस को हाँ, मतलब ये सब बहुत अच्छे थीम हैं आई थिंक जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं और लोग ना दीज आर ऑल टैबूज ना उनके बारे में बहुत कम बात होती तो अगर ये 76 में बनी है तो ये और भी अच्छा है बट हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हॉलीवुड मूवीज है तो उस टाइम ये वहां बन सकते थे और एक्सट्रीमिस्ट नेचर अब्यूसिव फैमिली एंड पेरेंटिंग तो बहुत अच्छी चीजें हैं इसके अंदर जो की जरूर देखनी चाहिए और लेटेस्ट वीडियो है इसके ऊपर बनी हुई लास्ट वीडियो वही है चैनल की
कैरी के ऊपर, तो जरूर जाके देखना। और फिर तुम अपने दोस्तों को कह भी सकते हो कि मैंने 1976 की मूवी देखी, क्योंकि मोस्टली लोगों को 2013 वाले रीमेक का ही पता होता है। Yeah, so you'll be cool among your friends, huh? तो a gynecologist is accused of murdering multiple unmarried pregnant women and is arrested due to the suspicion. His wife crosses every limit to save her husband. काफी बेकार थी मैं। ओके। मतलब मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी सुन के, पर चलो ठीक है, ये हिट भी नहीं रही होगी ज्यादा अच्छी, मतलब क्रिटिकली फाइनेंशियली तो आई कांट से। ऑल्सो मूवी मस्ट बी रिलीज इन व्हाट 90s, उसी टाइम होता था ये, बहुत प्रतिव्रत आई मीन पति व्रता पति पत्नी। Yeah. Okay, she is partially correct. क्या तू हर बारी मेरे को partially correct बोल देता, थप्पड़ मारूंगी। अच्छा सुन तो, तो मूवी का नाम है Mrs. Serial Killer और इट इज अ नेटफ्लिक्स मूवी। मूवी रिलीज हुई थी अभी लास्ट ईयर 2019 और जैकलिन फर्नांडिस और मनोज बाजपेयी की मूवी। Seriously? हाँ। आई हाय। Why did they do so? नहीं मतलब मूवी का प्लॉट ऑन पेपर तो अच्छा है, लेकिन मतलब उसको ढंग से बनाया नहीं गया। अच्छा हाँ, मतलब हाउ डू यू डिसाइड कि अच्छे से बनाया नहीं गया? बता रहा हूँ ना, एक तो मूवी का जो प्लॉट है अगर उसके आइडिया का ओरिजिन देखा जाए तो हाँ भाई वो ठीक है कि हाँ भाई जो करना चाहा डायरेक्टर ने वो ठीक है, वो अच्छा लगा। लेकिन एक तो स्क्रीन प्ले बहुत ही अजीब सा था, मूवी के अंदर फालतू चीजें बुलशिटनेस भरी हुई थी और एकदम गॉथिक सी थीम थी मूवी की, जो कि 2019 में सेट है और कलर्स ऐसे फूक रखे थे बिल्कुल गांजा फूक के, कि मतलब बिल्कुल ब्राइट रेड ब्राइट पर्पल ब्राइट ब्लू, मतलब बहुत ही अजीब सेटिंग थी मूवी की। एक्टिंग बहुत ही कैरिकेचरिस्टिक थी और बहुत ही बेकार स्क्रिप्ट थी मैं कहूंगा, और ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे इनके कोई सेंस नहीं बनती देखने में इसी वजह से। और मूवी में जो मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है वो सीरियल किलर है, लेकिन मूवी को मार्केट किया गया मिसेस सीरियल किलर के नाम से कि हाँ भाई हम तो बेवकूफ है, हमें पता नहीं चलेगा कि मिसेस सीरियल किलर के नाम से है, तो हाँ भाई जैकलिन फर्नांडिस ही होगी किलर और हम सस्पेंस में मरे नहीं। लेकिन मूवी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी है, तो क्रिटिकली इट वाज अ फ्लॉप और ये बहुत लेटेस्ट मूवी है। ओके नेक्स्ट। ओके दिस इज द लास्ट वन। हम लास्ट में पहुंचे, ओके। अ गाय विद अ हॉकी मास्क वेल्ड अ मशेटी किल्स एवरीबॉडी ही सीज। क्यों कर रहा था वो ऐसा? पता चल, वो आज तक किसी को नहीं पता चला, नहीं मैं बोलूंगा। बेकार सी थी, मैं बिल्कुल बेकार से प्लॉट है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये हिट रही हो क्योंकि सस्पेंस जैसे तू कह रहे हैं ठीक है, दिस इज वन थिंग। और रिलीज रिसेंटली हुई होगी। Okay. So she is partially correct, क्योंकि पहली चीज जो मैंने फ्राइडे 13 बताई थी ना, ये उसी की फ्रेंचाइज की मूवी है। अच्छा। और मूवी के किलर का नाम है जेसन बूढ़ीस और वो एक हॉकी मास्क पहनता है, उसका फेवरेट हथियार है मशेटी जिससे वो लोगों को मारता रहता है। इतने साल हो चुके 1980 से 2020, 40 साल से किसी को नहीं पता वो क्यों मारता रहता सब लोगों को। मतलब इट हैज रिलीज इन 1980 नहीं 1980 में फर्स्ट फ्राइडे 13 रिलीज हुई थी। अच्छा अच्छा। जेसन सेकंड पार्ट में आया था विच वाज रिलीज इन 1981 और इट वाज अ हिट बट क्रिटिकली इट वाज अ फ्लॉप। और अगर आप 2000 से 2010 बोलते तो फिर भी आप ठीक हो सकते थे क्योंकि उसका रीमेक बना था 2009 में। अच्छा पहले मैं वही बोलने वाली थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं ज्यादा देखी होगी। तो हो गया बस यही थी सारी मूवीज, क्लासिक मूवीज। वेल मुझे शायद गेट आउट सबसे ज्यादा पसंद आई, इफ आई वुड बी टॉकिंग अबाउट मी, सो आई थिंक आई लाइक दैट मूवी ओनली अमंग ऑल दीज हॉरर मूवीज। और एक ब्लेयर विच प्रोजेक्ट भी आई थी आपको? हाँ ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। सो या देर आर अ फ्यू गुड मूवीज, आई थिंक आई कैन स्टार्ट वॉचिंग द हॉरर मूवीज नाउ।
एंड अगर आप जैसा ही कोई है मतलब यू नो द वन हु इज लाइक मी हु नेवर एवर वॉच एनी हॉरर मूवी आई वुड जस्ट से दैट गो एंड वॉच वन बिकॉज मुझे ऐसा लगा इस वीडियोज को इन दो सेशंस को करने के बाद दैट इवन आई शुड गो एंड वॉच वन बिकॉज इट वुड गिव मी सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यू नो नर्व्स टू ओ शूट आ सो या आई थिंक वी कैन एंजॉय दैट या सो या दैट वाज ऑल थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गो डाउन Just put your comments, share it if you want, and do like and subscribe the channel if you want. Yeah, that is not mandatory. And also, please, please, please tell us the comments that are very true to you because aapke views hum tak pahunchne bahut zaruri hai. So tell us whatever you like about this. Thank you so much. Thanks for watching. और last episode नहीं देखा तो जाके देखो. हाँ. वो और भी ज़्यादा fun है, बहुत बेहतरीन है. उसके अंदर भी हमने ढेर सारी movies के बारे में बात करी है. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना इंस्टाग्राम ट्विटर और पिंटरेस्ट पर और सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली ऑफ सिनेफाइल्स का हिस्सा ताकि आपको इन सारी बेहतरीन चीजों के बारे में और ज्यादा बढ़िया बढ़िया नॉलेज मिलती रहे.